भिलाई शहर का नाम पूरे विश्व में बड़े गर्व से लिया जाता है, क्योंकि भिलाई शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए शहर में कई मॉन्यूमेंट और आकर्षक स्थल मौजूद हैं। इनमें से एक सुपेला का घड़ी चौक भी है, जहां नगर घड़ी लगी हुई है, परंतु ये घड़ी या तो बंद होती है या समय गलत बताती है। इस पर शहर की जनता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि नगर घड़ी के थम जाने पर शहर की रफ्तार भी थमी सी लगती है और घड़ी में बताए जा रहे समय से शहरवासियों को दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाने का एहसास होता है। जनता ने गुहार लगाई है कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान देवें और शहर की सुंदरता को धूमिल करती हुई इस नगर घड़ी का संधारण किया जाए, जिससे शहर की ख्याति में इजाफा हो सके। सुपेला यह घड़ी चौक वर्षों से घड़ी चौक सुपेला का शान है और इस घड़ी चौक से हमारी इस सुपेला की शोभा दिखती है और शोभा के साथ साथ इस हमारे क्षेत्र के एक सौंदर्य का एक बहुत बड़ा और किसी जगह का आने का सौंदर्य जगह का आने का एक ठहराव का जगह है। लेकिन इस घड़ी की ये खासियत यह है कि वर्षों से कभी चालू रहती है कभी बंद रहती है, लेकिन इस घड़ी की वजह से हमारे आने जा आवाजावान करने वाले लोगों को सिर्फ घड़ी देखते हैं तो उनको हमको घड़ी देख के उसको बंद पड़ी देखने से घड़ी ही पीछे नज़र आती है, तो इससे हमारे नगर की शोभा और नगर के समय ठहर सी जाती है। तो मेरा मानना है कि ये घड़ी को जो हमारी शान है सुपेला की उसको अच्छे से शासन प्रशासन दुरुस्त करे और इस शोभा को हमारे शहर को समर्पित करे, यही कामना है। भिलाई शहर जो हर हिंदुस्तान में इसका नाम बहुत गर्व से लिया जाता है और हमारे भिलाई नगर की शान सुपेला में जो घड़ी चौक है आप देख सकते हैं। अभी का आप टाइम देखेंगे तो 11:30 हो रहा है और अभी उसमें 10:20 है और उसका जो डायग्राम है वो भी टेढ़ा है और ये कई महीनों से बंद पड़ी है, तो ना तो इसका ध्यान किसी के तरफ नहीं है और इसकी वजह से जब टाइम ही पीछे है तो यहाँ जो चलने वाले हैं वो भी पीछे ही चल रहे हैं, शहर भी पीछे ही है। तो इस घड़ी के तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको जितनी जल्दी हो उसको सही करके उसका सही टाइम और दिशा